हाँ जी, जय हिंद। आज 9 दिसंबर है। अभी मैं वर्कआउट के लिए आया हूँ। आप ये देख सकती हैं, मेरा स्किपिंग रोप है और अभी 1,000 किया हूँ। आज आपसे एक बात शेयर करना था, उसको अभी करूँगा। अभी थोड़ा रुके रहिए। एक्चुअली आज थोड़ा लेट हो गया मुझे। क्यों लेट हो गया है? अब लेट हो गया। अब जानबूझ के लेट हुआ है, अपने से आलस आलस की वजह से। तो फिर मैं यही निकल पड़ा हूँ। मैं इसका हूँ चलूँ करने के लिए। इसमें गर्म पानी है, चलूँ करने के लिए। कम से कम जो भी वर्कआउट हो अपना, ये स्किपिंग, पुशअप, प्लैंक और भी जो एक्सरसाइज है, ताकि चर्बी और भी गले। ग्रीन टी लीजिए, लेकिन तो हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म सही नहीं रहता है। चलिए, यही सब है अपना। आप तैयारी करते रहिए। हालांकि बहुत लोगों से बात हो रहा है, नागौर एक लोग हैं राजस्थान से, लोकेंद्र नाम, उनसे बात होता है। एक लोग कल भाई साहब मिले थे, टेलीग्राम पे टेक्स्ट किए थे, उनका क्या नाम है अभी याद हो, अभी उनका बाद में बात बताऊँ उनकी कहानी क्या है, कैसे ये है। ठीक है, अभी उनको रोक के रखिए। और हिमाचल से ठाकुर कोई है, आशुतोष ठाकुर कुछ नाम करके है। इसी तरीके से बहुत लोग मतलब बता रहे हैं, मेरा मेरा इस डेट को है ऐसे ऐसे, क्या कैसे टाइपिंग के बारे में, कैसे इन्हेंस करें स्पीड को, वर्ड पर मिनट इतना आ रहा है, इतना एक्यूरेसी है, इतना एरर है, कितना और चाहिए, सब चीज़ पूछ रहे हैं। जितना मुझसे बन पा रहा है उतना मैं बता दे रहा हूँ। और क्या है कि चलिए, अभी अभी मैं एक्सरसाइज पे और अपने लगता हूँ, फिर आपको भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उनका अभी जी का बात को बताऊंगा। देखिए, सुनिएगा, देखिए क्या उनका सोच है। हाँ जी, तो यही अभी को एक्सरसाइज थोड़ा बहुत आपको दिखाया हूँ, जितना थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया, जितना आपने देखा, और फिर अपना कर चुका एक्सरसाइज। ज़्यादा नहीं किया हूँ, थोड़ा ही बहुत किया हूँ। तो अब उस वाले बात को जानिए जो अभी वाला था, अभी यादव जी का। अभी यादव जी का बात ये था कि टेलीग्राम पे उन्होंने टेक्स्ट किया, सबसे पहले यूट्यूब पे कमेंट किया, तो कमेंट का किए किए तो कमेंट का मैं जवाब दिया, तो बोला कि टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम एट द रेट यूज़र आई डी। तो उस पर उनका टेक्स्ट आया। टेक्स्ट आने के बाद क्या हुआ कि
वो बात हुए होने लगा। जब बात होने लगा तो उस पर पूछ रहे हैं कि इस आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, मतलब मेरा भेद लेना चाह रहे थे आपका, तुम्हारा कितना है टाइपिंग स्पीड। तो मैं बताया इतना ऐसे है, और उसने अपना बताया था 42 to 45 विथ एक्यूरेसी 98%, 96 और 98%। तो फिर मैं बताया कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा भी स्पीड जाता है, मैक्सिमम 56 है, और भी जो था उस तरीके से बता दिया। तो मैं उससे पूछा कि AR नंबर कितना है, क्योंकि उसका डेट 30 तारीख को मिला, 30 दिसंबर को फिजिकल, और उसके हिसाब से अनफॉर्चुनेटली मेरा भी 30 दिसंबर को ही है। तो मैं पूछा AR नंबर कितना, AR नंबर वो एप्लीकेशन नंबर का जो असम राइफल का नंबर जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आया हुआ है, तो उसका नंबर कितना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर है, तो उससे मतलब पता चलेगा कितना आगे पीछे, मतलब इस तरीके से। तो बोला कि आई कांट शेयर पर्सनल डिटेल। चलिए इतना तक तो सही था, पर्सनल डिटेल भैया ठीक है मत शेयर करो, आपका मन है। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है कि यू आर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट शेयरिंग डिटेल विद अपोनेंट जो शब्द आया कि कंपटीशन में, जानते हैं कंपटीशन में कंपटीटर होते हैं ना कि अपोनेंट होते हैं। आप कंपटीशन कर रहे हो, जैसे मेरे साथ 10 बंदे हैं, मैं यूट्यूब पे हूँ, यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा और ना तो सोचना चाहिए किसी को। अगर वो भी आप फौज में जा रहे हो तो यह सोच रहे हो कि मेरे वजह से ये अभी मेरे साथ हैं, इसमें मेरा क्या या अपोनेंट हैं, तो मुझे अपने को ही सिर्फ लेकर के चलना है, कहीं पे नहीं जा पाओगे, ख़त्म हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं मतलब नहीं निकलेगा अगर इसी सोच पे रुके रहोगे तो। तो अपोनेंट लिख के भेजें कि आई होप यू यू मे अंडरस्टैंड दैट यू आर माई अपोनेंट। में यार मैं भी नहीं चाहूँगा कि किसी और का हो, आप भी नहीं चाहेंगे किसी और का हो, वो बोल रहा था अभी। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मैं तो दुआ करूँगा कि आपका हो जाए। तो उसने क्या, वो भी बोल रहा है हाँ मैं दुआ करूँगा कि मेरा हो जाए। मैं कहा एकदम बेकार है यार, मैं कहा ठीक है। वैसे तो मैं तो अभी अगर कोई दौड़ में अगर बेकार हालत में हो गया है, एकदम ख़त्म होने वाला है, तो मैं अपना दौड़ यार छोड़ के उसको साइड लगा दूंगा। यह मोरल की चीज़ होती है, एक एथिक्स की चीज़ होती है, अपना डिग्निटी का होता है, ठीक है। भर्तियां दोबारा देख लेंगे, उम्र निकल जाएगी, दूसरा काम कर लेंगे, लेकिन उस बंदे की जान की कीमत है ना, तो आपको हमेशा साथ देना पड़ेगा, हमेशा साथ देना पड़ेगा। कॉमरेडशिप मस्ट बी देयर, हाँ। तो कॉमरेडशिप होना चाहिए, ना कि अपोनेंट बनना चाहिए, क्या मैं ही जो हूँ वही हूँ, मैं दौड़ूंगा, मैं निकालूंगा। भैया पहली बात की है तो क्वालिफाइंग नेचर का, रिटर्न में मान लो, रिटर्न में आप ना किसी को बताओ, अगर आपके बगल वाला बैठा है, अगर मौका मिल भी जाता है बताने का, तो आप मत उसे बताओ रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न मेरिट बेस पे है। अगर उसका एक नंबर आपका ज़्यादा गया इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो। यह तो रनिंग और टाइपिंग, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है, जितना ज्ञान आप देंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आप पता है, जा करके आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं पता है तो मुझे भी नहीं पता। हाँ तो यही सब है उनका, यही मैं कहा चलो ठीक है, अपना अपना है। मैं फिर लास्ट में लिखा कि अगर इफ पॉसिबल देन प्लीज़ टेक्स्ट मी आफ्टर क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग एट योर PST सेंटर पे, जब जाना तो क्वालिफाई करना है नहीं करना, तो फिर वो मुझे इंटीमेट करना। तो फिर देखा जाएगा कि उनका क्या है, 30 को है, 30 को रनिंग फिजिकल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद 31 तारीख को टाइपिंग हो जाएगा। टाइपिंग में तो अच्छे अच्छे को वहाँ पर मैं देखूँगा, देखूँ कितने लोग आ रहे हैं, कैसे क्या हैं, और आपसे भी मिलने का मौका मिलेगा, सबसे मिलूंगा, अपने आपकी बातें को जाना जाएगा, आपसे भी बात करूंगा, यही सब है। और आप भी कहेंगे ये कहाँ कहाँ पे मैं ऐसे रुका हूँ, तो आपको ऐसे दिखा दूँ, इधर से यह पूरा, इधर पूरा अपना ऐसे यह पूरा है, और यह पीछे अपना सूर्य भगवान जी टनटना आ रहे हैं, ठीक है। सूर्य भगवान जी ऊपर हैं, और इधर से गाड़ियाँ का आगमन जा रही है, ये देखिए। तो यही सब है कि अपना चल रहा है, रनिंग का भी कुछ खास मेरा नहीं है, टाइपिंग भी कुछ खास नहीं है, लेकिन तो मेहनत जा रही है, जंग जा रही है, जो भी होगा
आपके साथ, आप हमारे साथ रहेंगे। और आज है, आज 9 दिसंबर है, अभी 30 दिसंबर, तो आपके पास कितना रनिंग के लिए टाइम है? वही आप 27-25 तक तो जाते जाते 25 तक रनिंग को छोड़ना ही पड़ेगा, तो आपका कितना हो गया, 20-21 दिन का है। 21 × 2 करेंगे अगर दोनों समय जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 42 दिन। 42 दिन का आपके पास इस तरीके से मोटा मोटा टाइम है, वो भी 42 दिन। आपके मतलब 20 दिन का माने वो कैसे बीतेगा, क्या होगा, आपको भी नहीं पता चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा, इतना तेज टाइम बीतेगा। और क्या चीज़ है कि टाइपिंग का, टाइपिंग आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग यार, जहाँ पे अभी मैं आपको ना 13, 14, 15 के बीच में आपको मैं टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स ट्रिक, तो उनको तो यार अभी को जो है उसको तो यार ऐसे लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मत किया करो, चैनल से जुड़ा मत करो, ठीक है, ऐसे लोग आया भी मत करो यार यहाँ पे। मुझे सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर की कोई चिंता नहीं, एक सब्सक्राइबर मेरा रहेगा तो भी चलेगा, 100 रहेंगे तो भी चलेगा, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन अच्छे अच्छे रहो यार, ठीक है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, साथ में मिल के बढ़ा जाएगा। ऐसा भावना को बिल्कुल नहीं रखना है कि आपका अब अपोनेंट का अपोनेंट जैसे भावना, कंपटीटर की जैसे रहिए, कंपटीटर आप भी 2 कदम आगे बढ़ाइए, हम भी 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, आपसे कहेंगे 4 कदम आगे बढ़ाओ, हम भी उसी के बहाने 4 कदम और ज़्यादा चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना ये सब तैयारी करता हूँ, ज़्यादा लेट हो जाएगा, खुद ही लेट हो चुका हूँ, फिर चलूँ देखूँ अपना जो भी टाइपिंग वाइपिंग करने का करूँ, फिर आपसे यह वीडियो अब आजकल मैं परसों में एडिट करके अपलोड कर दूँगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, जय हिंद।